अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ज्योग्राफी के दो लेक्चर अपलोड किए थे, उसमें हमने जो टॉपिक हमारा था वो था मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, और पहला डोमेन जो था लिथोस्फीयर वो हमने पढ़ा, उसमें हमने आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया। तो आज का जो दूसरा टॉपिक है हमारा मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, इसका जो दूसरा सब टॉपिक है वो है हाइड्रोस्फीयर। तो आज हम हाइड्रोस्फीयर डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? आज हम हाइड्रोस्फीयर डिस्कस करेंगे। आप गौर से सुन लीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अपने नोटबुक पे पेन डाउन कीजिए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन हम लिखते हैं, हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। हाइड्रोस्फीयर, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ लैंड विच इज ऑक्यूपाइड बाई वाटर। यानी कि हाइड्रोस्फीयर जमीन के उस हिस्से को हम कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर जमीन के उस हिस्से को हम कहते हैं जहां पे पानी मौजूद होता है। यानी कि जमीन सो हिस्से ये जो आबी होत मौजूद तथा वन हाइड्रोस्फीयर। अगर हम इसकी लैटिन मीनिंग करें तो हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन्स डोमेन, यानी कि वो एरिया जो खाली पानी से भरा रहता है। आपको पता होगा बच्चों, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि मोर देन 71% जो लैंड है उस पे खाली पानी है, यानी कि 71% जमीन पे हमें खाली पानी मिल जाता है और बाकी जो 29% रह जाते हैं, मोर देन 71% जो है वो वाटर, सॉरी वो वाटर हो जाता है, यानी कि आप जो है आसन, और 29% जो है वो लैंड होती है, यानी कि 71% पर जमीन पर आब कुंतरहन पर खाली जमीन, कुंतरहन पर सो एरिया ये पर बसान ये पर हवानात रोड फॉरेस्ट वगैरह वगैरह। इसीलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस 71% ऑफ वाटर, जब हम स्पेस से जमीन को देखते हैं तो ये हमें ब्लू दिखाई देती है, ये हमें ब्लू दिखाई देती है। इसलिए आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, इसीलिए जमीन को हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लू प्लेनेट? क्योंकि जब हम स्पेस से इस जमीन को देखते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 71% ऑफ वाटर, तब जाके हम तभी इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। तो जो ये पानी है, जो वाटर है, ये जमीन पे बहुत सारी फॉर्म्स पे अवेलेबल होता है। वो सब फॉर्म्स हम लिखते हैं किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है। देखिए, ये फॉर्म जो है ओशन में पानी होता है, स्नो ये एक फॉर्म है वाटर की, आइस ये एक फॉर्म है वाटर की, ग्लेशियर्स ये दूसरी फॉर्म है वाटर की, या हेल ये भी एक फॉर्म है वाटर की, वाटर वेपर ये भी एक फॉर्म है वाटर की, या हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर ये भी फॉर्म है पानी की। यानी कि ये सारी वाटर की फॉर्म है, ये सारी इन्हीं शक्लों में हमें जमीन पे पानी मिलता है। यानी कि ओशन में जो आब आसन, शीन जो आसन इच्छा आबजक शक्ल, शिशम जो आसन इच्छा आबजक शक्ल, ग्लेशियर जो आसन इच्छा आबजक शक्ल, या डोंट जो आसन, या वाटर वेपर जो आसन, या अंडरग्राउंड जमीन तल आब आसन आबजा शक्ल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें हाइड्रोस्फीयर में जो हमारा मेन अब टॉपिक रहेगा, सब टॉपिक इसका वो रहेगा ओशंस, वो रहेगा ओशंस। आज चेस पढ़ें ओशंस, आज चेस पढ़ें ओशंस। चले हम स्टार्ट करते हैं। तो ओशंस की अगर हम बात करें, ओशंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ओशन किसे कहते हैं, ओशन किसे कहते हैं, ओशन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। दीज आर लार्ज वाटर बॉडीज फाउंड ऑन अर्थ। यानी कि यम छ आसन सारी खोत बजे वाटर बॉडीज यम जमीन पे यवन लबने, यम जमीन पे यवन लबने, यानी कि लार्ज वाटर बॉडीज फाउंड ऑन अर्थ। ओशन आसन सारी खोत बज वाटर बॉडीज यम सारी जमीन पे यवन लबने, नंबर वन। और इनकी खसूसियत क्या होती है? ओशन का जो पानी होता है वो सैलीन होता है, या हम जिसे कहते हैं साल्टी, ये आसन साल्टी अच्छ आसन नून मज, दैट इज वाई इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, यह आसन चन खतर फिट के ना आसन जिरात खतर फिट के। अवे तुम वुछन 71% वाटर होने के बावजूद, 71% वाटर होने के बावजूद हमारे यहाँ वाटर स्कैर्सिटी होती है, यानी कि पानी की कमी होती है, पीने की साफ पानी की कमी होती है। क्यों? आब तो बहुत ज्यादा मौजूद है, पानी तो बहुत ज्यादा मौजूद है, मगर
یہ آب یہ سیلین یہ سالٹی یم کہ وجہ سے یہ چن خاطر فٹ کی زراعت خاطر یہ فٹ کی تو جو اوشنز کا پانی ہوتا ہے یہ کھارا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ کھارا پانی ہے پینے کے لائق نہیں ہوتا ہے اور یہ زراعت کے لائق بھی نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ اور اس میں تھوڑا ڈیپ جائیں گے تو ہمارے یہاں فائیو میجر اوشنز ہیں کیا ہے فائیو میجر اوشنز جن کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے سب سے پہلا ہے پیسیفک اوشن دوسرا ہے اٹلانٹک اوشن تیسرا ہے انڈین اوشن چوتھا ہے ساؤدرن اوشن جس کو ہم پہلے انٹارکٹک اوشن نہیں بولتے یہ نیو نام ہے اس کا ساؤدرن اوشن یا اور پانچواں ہے آرکٹک اوشن تو ہم یہ سارے ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اگر پھر کوئی بات رہ گئی ہو یا آپ کی کوئی کوئری ہو تو وہ کمنٹس یا واٹس ایپ میں آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے پیسیفک اوشن سے تو آپ غور سے دیکھ لیجئے اور امپورٹنٹ پوائنٹس اپنے جو ہے وہ نوٹ بک پہ اپنے پین ڈاؤن کیجئے تو یہ جو پیسیفک اوشن ہے سب سے پہلے والا اوشن جو ہے پیسیفک اوشن دس از دا لارجسٹ اوشن یہ دنیا کا سب سے بڑا اوشن ہے یہ دنیا کا ساری کھوت بوڑ اوشن یعنی کہ پیسیفک اوشن جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا اوشن ہے آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ زمین پر جو اس کی جگہ ہے وہ 30% ہے 30% جگہ چھم زمین کورمت آؤٹ یعنی کہ 53% جگہ چھ زمین پر یعنی کہ اگر میں آپ کو بتا اگر ہمارے پاس 100 کنال کی لینڈ ہے تو 100 میں سے 30 کنال پر خالی یہ اوشن ہے یعنی کہ 53% پر چی فل پیسیفک اوشن 53% پر فل تو اوے موجود ون دنیا ساری کھوت بوڑ بار اوشن یہ دنیا ساری کھوت بوڑ بار اوشن اور دوسری ایک خصوصیت یہ جو ہے یہ ڈیپسٹ اوشن بھی ہے یہ دنیا کا سب سے ڈیپ اوشن ہے یہ ڈیپسٹ اوشن تھی امچ ڈیپتھ کیا چھ اگر ہم اس کی ڈیپتھ کی بات کریں تو وہ ہے 11034 کا ساستر چوئتر میٹر ڈیپ یہ ٹرنچ یہاں پہ ایک ٹرنچ جس کو ہم بولتے ہیں میریانا ٹرنچ کیا بولتے ہیں یعنی کہ میریانا ٹرنچ اگر آپ کو کہے گا کوئی میریانا ٹرنچ پیسیفک اوشن میں پایا جاتا ہے جو کہ 11034 یعنی کہ 11034 ڈیپ ہے کا ساست چوئتر میٹر چی ڈیپ اگر ہم اس کی ایریا کی بات کریں گے تو اس کا ایریا کتنا ہے امک ایریا چھو 16,16,87,30,000 اسکوائر میٹرز 16,87,30,000 میٹرن پہ چی پھولت کیا چھ پھولت 16,87,30,000 اسکوائر کلو میٹر پہ یہ پھیلا ہوا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا اوشن ہے اور اگر ہم اس کی باؤنڈری کی بات کریں تو اس کی باؤنڈریز کہاں کہاں ٹچ ہوتی ہے تو باؤنڈریز اس کی ٹچ ہوتی ہے ایشیا نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ اور آسٹریلیا ان سارے مقامات پہ اس کی باؤنڈریز ٹچ ہوتی ہے یعنی امچ باؤنڈریز ٹچ گسن ایشیا سے نارتھ امریکہ سے ساؤتھ امریکہ سے آسٹریلیا سے اگر اس کی شکل کی بات کریں تو پہلے پہلے بولتے تھے اس کی شکل جو ہے وہ ایس سے ریزمبل کرتی ہے یعنی کہ امی شکل ایسا بٹ اکارڈنگ ٹو 2014 میں جب اور ایک تھوری آئی تو وہ بولتے ہیں ایسے نہیں اس کی جو اس کا ہمارا جو میتھ میں نمبر 8 ہوتا ہے ایسے تو یہ 8 سے تھوڑا تھوڑا ریزمبل ہوتی ہے اور ایک بات اس اوشن کی خصوصی بات کہ اس کانٹیننٹ میں دنیا کے 75% والکینوز یعنی کہ آتش فشاں پائے جاتے ہیں دنیا کے 75% والکینوز آتش فشاں اس میں پائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے یہاں پہ زلزلے اکثر آتے رہتے ہیں ان زلزلوں کی وجہ سے اسے ہم رنگ آف فائر بھی کہتے ہیں تو 75% والکینوز آتش فشاں ہونے سے اس اوشن کو ہم رنگ آف فائر بھی کہتے ہیں تو اگلا جو ہمارا کوشن ہے وہ رہے گا اٹلانٹک اوشن
अब हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो ये अटलांटिक ओशन है, आप गौर से सुनिए, जो ये अटलांटिक ओशन है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन। ये दुनिया का दूसरा बड़ा बहर अजम है। ओशन को हम उर्दू में बहर अजम बोलते हैं, ओशन को हम उर्दू में बहर अजम बोलते हैं, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा बहर अजम अटलांटिक ओशन है। कौन सा है? अटलांटिक ओशन। इसकी जो बाउंड्रीज है, इसकी जो बाउंड्रीज है वो अमेरिका, अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, यूरोप इससे मिलती जुलती है, इससे मिलती जुलती है। अगर हम एरिया की बात करें, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया इसका कितना है? देखिए एरिया इसका है 81,57,33,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 81,57,33,000 स्क्वायर किलोमीटर अमेरिका एरिया। बहुत बड़ा 8 करोड़ आप दोबारा सुन लीजिए, ये इसका जो एरिया है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये 8 करोड़ दोबारा से सुन लीजिए, 8,51,33,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो एरिया है, वो 8,51,33,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है ये। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेकंड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें, अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो यहां पे इस ओशन में हमारा एक जो डेप्थ पॉइंट है वो देखिए, उसको हम बोलते हैं प्रीटोरिया ट्रेंच। ये थोड़ा नाम अलग है, आप दोबारा सुन लीजिए, प्रीटोरिया ट्रेंच। इसकी जो डेप्थ है वो 8,336 फीट, और शास्त्र क्षेत्र 8,336 फीट इसकी डेप्थ है। ये इस ओशन में सबसे डेप्थ वाला पॉइंट है, यानी कि सारी खोत डीपेस्ट पॉइंट ओशन सू प्रीटोरिया ट्रेंच, यह 8,336 फुट डीप। इसमें एक और चीज हमें देखने को मिलती है और डीपेस्ट पॉइंट, वो है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपने अक्सर न्यूज में देखा होगा, अक्सर आपने फेसबुक वगैरह पोस्ट पे देखे होंगे या यूट्यूब पे। ये एक रहस्यमयी ट्रायंगल है जिसकी खोज अभी हो रही है, यानी कि साइंस ने भी यहाँ पे अभी अपनी खोज मुकम्मल नहीं की है। यहाँ पे आज से, आपको याद होगा, आज से 5-7 साल पहले यहाँ पे एक जहाज जो है उसका अनुमान लगाया गया था कि ये इसी बरमूडा ट्रायंगल में वो डूब गया। तो ये भी इसी अटलांटिक ओशन में पाया जाता है, बरमूडा ट्रायंगल। और एक बात इस ओशन के रिगार्डिंग, इसको हम बिजिएस्ट ओशन भी कह सकते हैं। इसको दूसरा, इसका दूसरा नाम है बिजिएस्ट ओशन। ये बिजिएस्ट ओशन इसलिए है क्योंकि आप देख लीजिए इसकी जो बाउंड्रीज है वो अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, यानी कि दो डेवलप्ड कंट्रीज से इसकी जो है वो बाउंड्री टच करती है, यूरोप, अमेरिका। यहां पे इसको हम इसलिए बिजिएस्ट ओशन कहते हैं क्योंकि इस ओशन से बहुत ज्यादा बिजनेस होता है, इस ओशन से बहुत ज्यादा बिजनेस होता है, फिशिंग होती है, ट्रांसपोर्ट का रास्ता होता है। आपको पता होगा कि वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वाटरवेज यहां से होती है और यहां पे बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल पोर्ट्स हमें दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको बिजिएस्ट ओशन भी कहते हैं। तो अगला जो हमारा होगा वो अब होगा इसके बगैर इंडियन ओशन। कौन सा होगा? इंडियन ओशन। तो आप वो भी देख लीजिए, इंडियन ओशन तीसरा वाला पैसिफिक ओशन। हमने बताया ये फर्स्ट लार्जेस्ट ओशन, सेकंड वन अटलांटिक ओशन, एंड नाउ द थर्ड वन इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन की अगर हम बात करेंगे, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशियन मीन्स इंडियन ओशन। और एक बात,
ये वाहिद एक ऐसा ओशन है, ये वाहिद एक ऐसा ओशन है जिसको किसी कंट्री के एवज में नाम दिया गया है, यानी कि द ऑनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, यानी कि वो ओशन जिसको किसी मुल्क के बनिस्बत नाम दिया गया है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंडियन ओशन। ये तीसरा ओशन है दुनिया में रुकबे के हिसाब से। इसकी जो बाउंड्रीज है वो टच कहां करती, देखिए इसकी जो बाउंड्रीज है वो ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया मीन्स इंडोनेशिया वगैरह, यहां इसकी बाउंड्रीज टच करती है, यानी कि इसकी बाउंड्रीज ईस्टर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया, यहां इनकी बाउंड्रीज जो है वो टच करती है। एरिया के हिसाब से अगर हम इसका एरिया पढ़ते हैं, इसका एरिया देखते हैं, तो इसका एरिया 7 करोड़ 5 लाख एंड 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि अमुक एरिया 7 करोड़ 5 लाख 60,000 किलोमीटर। इंडियन ओशन की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, इसकी जो बाउंड्रीज है वो ईस्टर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया से मिलती है, और इसका जो एरिया है वो 7 करोड़ 5 लाख और 60,000 स्क्वायर किलोमीटर मुरब्बे पे फैला हुआ है ये। और ये वाहिद एक ऐसा ओशन है जिसको जिसका नाम किसी मुल्क के अवज में दिया गया है, यानी कि पहला ओशन यथ नाव दी तो कुन कंट्री बट, इसलिए हम इसको इंडियन ओशन भी कहते हैं। और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है सुडान ट्रेंच, जिसको हम सुडान ट्रेंच बोलते हैं, या इसको हम जावा ट्रेंच भी कह सकते हैं, जावा ट्रेंच भी कह सकते हैं, पहले इसको जावा ट्रेंच कहते थे, आज सुडान ट्रेंच भी कहते हैं। और इसकी गहराई जो है वो 800 मीटर है, कितनी 800 मीटर इसकी डेप्थ है, जावा ट्रेंच की 800 मीटर डेप्थ है, ये इंडोनेशिया के साइड में पाया गया है ये इसका ये जावा ट्रेंच। तो नक्शन में हम कहेंगे जो इंडियन ओशन है इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, इज द ऑनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, इसकी जो बाउंड्रीज है वो ईस्टर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया से मिलती है, इसका जो एरिया है वो 7 करोड़ 5 लाख 60,000 किलोमीटर है, और जो इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है जावा ट्रेंच या सुडान ट्रेंच आप कहेंगे, और उसकी जो डेप्थ है वो है 800 मीटर्स। तो ये था हमारा थर्ड ओशन। अभी एक दूसरा ओशन है फोर्थ वाला जो ओशन है वो है साउदर्न ओशन। क्या है साउदर्न ओशन, या हम इसको पहले कहते थे साउदर्न ओशन, इसका नया नाम है साउदर्न ओशन, इसका नया नाम है, इसका जो पहले नाम था वो था क्या बोलते हैं इसको साउदर्न, इसका जो पहले नाम होता था वो एंटार्क्टिक ओशन होता था, और ये नया नाम है साउदर्न ओशन, इसमें इसको नया नाम दिया गया है। तो दिस ओशन इज द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन, क्या है फोर्थ लार्जेस्ट ओशन इन टर्म्स ऑफ एरिया, दुनिया का सबसे बड़ा चौथा ओशन इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया जो है वो 2 करोड़ 19 लाख एंड 60,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है, यानी कि 2 करोड़ 19 लाख और 60,000 किलोमीटर पे जो है ये फैला हुआ है। और ये जो ओशन है ये अगर हम जमीन की बात में यहाँ पे अगर हम ये जमीन समझिए आप इक्वेटर, अगर इस ओशन की बात करेंगे हम ये साउदर्न टिप पे, यानी कि इस साइड से ये ओशन है, इसी वजह से जो इसका पानी है वो आइसबर्ग्स में आइसबर्ग की शक्ल में रहता है, और यहां पे हम इस ओशन में बड़े बड़े आइसबर्ग्स देख सकते हैं और यहां इस साउदर्न ओशन में एक एनिमल भी फाउंड होता है जिसे हम पोलर बियर कहते हैं। क्या कहते हैं पोलर बियर, और इसमें एक खूबसूरत होती है ये व्हाइट पोलर बियर होता है, सफेद रंग का पोलर बियर। तो क्या पढ़ा हमने साउदर्न ओशन जो है ये फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है, इसकी जो क्या बोलते इसका जो एरिया है वो 2 करोड़ 19 लाख एंड 60,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है, ये यहाँ पे हमें बिग आइसबर्ग मिल जाते हैं, और जो यहाँ पे एक एनिमल फाउंड होता है उसे हम पोलर बियर कहते हैं, और ये व्हाइट पोलर बियर इसको हम कहते हैं। अब हमारा जो लास्ट वाला ये रहेगा हमारा जो लास्ट वाला ओशन रहेगा वो रहेगा आर्कटिक ओशन, वो रहेगा आर्कटिक ओशन। अब हमारा जो लास्ट वाला जो रहेगा तो अब हमें पढ़ना है फिफ्थ वाला ओशन
जो कि है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन ये हमारा फिफ्थ वाला ओशन, ये हमारा फिफ्थ ओशन है, ये हमें पढ़ना है। पहले हमने पैसिफिक पढ़ा, अटलांटिक पढ़ा, इंडियन पढ़ा, क्या बोलते हैं इसको, साउदर्न भी पढ़ा, और हमें आर्कटिक अब पढ़ना है। तो ये आर्कटिक जो है, दिस इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे छोटा ओशन है। अगर हम यहां पे फॉर एग्जाम्पल ये हमने अर्थ की अर्थ का डायग्राम बनाए, उसकी फिगर पाए, तो ये जो ओशन है ये यहां पे इस एरिया में दिखाई देता है, यानी कि नॉर्थ साइड में दिखाई देता है। ये दुनिया का सबसे छोटा ओशन है। इन टर्म्स ऑफ, अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना, इसका एरिया है 1,55,58,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1,55,58,000 स्क्वायर किलोमीटर पे ये ओशन फैला हुआ है। और इस ओशन की खसूसी बात क्या है कि इट रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो, इट रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल भर ये बर्फ से जमी रहती है, ये बर्फ से जमा रहता है, ढका हुआ रहता है, यानी कि ये जो आसन वहर वर्य शीन, ये जो आसन वहर वर्य शीन, इस ओशन में ये जो आसन वहर वर्य से शीन। तो हमने क्या पढ़ा आर्कटिक ओशन के बारे में, ये दुनिया का सबसे छोटा ओशन है। अगर एरिया की बात करें तो 1,55,58,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है, और ये साल भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो इस डोमेन में हमने पढ़ाया आपको हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में पहले हमने आपको डेफिनेशन बोली, हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ लैंड विच इज ऑक्युपाइड बाय द वाटर, फिर हमने आपको बताया उसको ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, फिर हमने आपको ओशंस बताया, ओशंस इट रेफर्स टू द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ, फिर हमने आपको बताया पैसिफिक ओशन भी आपको पढ़ाया, अटलांटिक ओशन भी आपको पढ़ाया, साउदर्न ओशन भी आपको पढ़ाया, इंडियन ओशन भी आपको पढ़ाया, आर्कटिक ओशन भी आपको पढ़ाया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोटबुक पे पेन डाउन किए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो वो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप के जरिए मुझे भेज सकते हो, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।